नमस्कार गट साहब। नमस्कार सर सक्सेना साहब, नमस्कार। जन सरोकार मंच कुछ सवालों के साथ आपसे जुड़ता रहा है और सभी प्रबुद्ध श्रोता, मंच से जुड़े सभी साथी लाभान्वित होते रहे हैं और हमारे पास बार बार ये मांग आती रही है कि गर्ग साहब को फिर बुलाओ, गर्ग साहब से बातचीत करो। तो आज गर्ग साहब जो है, एक छोटा सा विषय है, सवाल भी है आज का, कि हमें आजादी मिल गई और लोकतंत्र वैधानिक रूप से स्थापित भी कर दिया गया, लेकिन जिस तरह इसकी निष्ठा हमारे आम जीवन से, आम आदमी से जुड़नी चाहिए थी, उसके अंदर बहुत कमी महसूस होती है। मतलब ऐसा लगता है कि विवेकशीलता से काम नहीं लिया गया है जैसा लिया जाना चाहिए था। तो कागजों में तो हो गई, कानूनन हो गई, और हमें अधिकार और हमारे दायित्वों के प्रति भी बार बार कहा जाता रहा है, लेकिन जो हमारे अपने लोकतंत्र की जो वैचारिकता है उसके प्रति निष्ठा या प्रतिबद्धता उस तरह विकसित नहीं हो पाई है, ऐसा इस मंच का विचार है, सोच है, ऐसा महसूस होता है। तो आदरणीय राजेंद्र गर्ग साहब आज श्रोताओं के साथ हैं, मंच तो मामूली माध्यम है, लेकिन गर्ग साहब आपसे आग्रह है कि इस संबंध में आप अपने विचार से लाभान्वित करें। जी, मैं सबसे पहले तो आपका और देवेंद्र जी जोशी का अभिवादन करता हूं और मंच से जुड़े हुए सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। ये सर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बहुत सी परिभाषाएं, हजारों परिभाषाएं हैं, और सबसे ज्यादा जो जानी जाती है वो अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, ए डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो खैर, हम परिभाषाओं के जंगल में तो नहीं जाएंगे, हम ये देखेंगे कि लोकतंत्र का सबसे पहले और जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो प्राचीन यूनान में मिलता है, जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। हमारे तो अभी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि निर्णय जो है ना, हम नहीं लेते, हमारे प्रतिनिधि लेते हैं। तो जो बड़े विचारक हैं उनके थोड़े मतभेद हैं इस बारे में, जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल। प्लेटो गुरु हैं, एरिस्टोटल उनके शिष्य हैं। प्लेटो ने ये माना है कि एक सर्वगुण संपन्न दार्शनिक चिंतन वाला व्यक्ति ही शासन शासक बनना चाहिए, तभी अच्छे राज्य की स्थापना हो सकेगी। सर्वगुण संपन्न एरिस्टोटल ने इससे एग्री नहीं किया। एरिस्टोटल ने कहा कि कोई कितना भी सर्वगुण संपन्न हो, दयालु हो, उदार हो, सच्चा हो, है ना, बलिदानी हो, सब कुछ हो, परोपकारी हो, लेकिन एक व्यक्ति वो राग द्वेष में आ जाता है, उन्माद में आ जाता है, अपनी स्वयं की स्वेच्छाचारिता पर भी आ जाता है, भले ही वो जनता के लिए अच्छा कर रहा है लेकिन वो किसी की नहीं मान रहा और किसी से सुनता नहीं, और उसके कोई न कोई जो उसको भी पता नहीं है ऐसे स्वार्थ भी उससे जुड़ सकते हैं। इसलिए एरिस्टोटल ने कहा कि शासन विधि से चलना चाहिए,
कानून से चलना चाहिए, नियमानुसार चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। सर्वगुण संपन्न की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक दोनों में मतभेद रहा। और ये फिर एरिस्टोटल ने कहा कि देखिए, लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा व्यक्ति पूजा से है, जिसको हम हीरो वर्शिप, उससे है। जब कोई व्यक्ति किसी राज्य में या देश में ऐसा हो जाता है कि लोग उसको भगवान का अवतार मानने लगें, सर्वगुण संपन्न हो, उसकी पूजा करने लगें, उसकी आलोचना कभी नहीं करें, उससे प्रश्न नहीं पूछें, अपना सब कुछ उसके चरणों में समर्पित कर दें, ऐसा अगर कोई लोकप्रिय व्यक्ति हुआ तो वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। और वहां यूनान में एक प्रथा भी फिर चल पड़ी बहुत पहले, 600-720 बिफोर क्राइस्ट, तब से ही चल रही है कि अगर कोई व्यक्ति इतना लोकप्रिय हो जाता है कि जनता उसकी पूजा करने लगे तो उस व्यक्ति का ओस्ट्रेसिज्म कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेसिज्म का मतलब यह है कि उसको 5 साल या 10 साल के लिए देश से बाहर निकाल दिया जाता है और उसको गुमनाम बना दिया जाता है, वो कोई संपर्क नहीं रखेगा। अब इतने सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को बाहर क्यों निकाला जाता है, देश निकाला क्यों दिया जाता है? तो कारण यही है कि चाहे वो बहुत ही न्यायप्रिय और सारे गुणों से संपन्न है, लेकिन लोकतंत्र के लिए ऐसे व्यक्ति का होना एक खतरा है जिसमें जनता उसकी पूजा करने लगे, इतना आदर करने लगे, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्योंकि फिर जनता उससे उसकी आलोचना तो करेगी नहीं, समीक्षा करेगी नहीं, प्रश्न पूछेगी नहीं, तो वो फिर लोकतंत्र बचेगा नहीं। इसलिए ऑस्ट्रेसिज्म की प्रथा भी वहां थी। तो इससे पता चलता है कि लोकतंत्र किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है। और ज्यादातर जो लोकपूज्य व्यक्ति हैं उनसे लोकतंत्र को खतरा होता है। अब हम क्योंकि भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो भारतीय लोकतंत्र के बारे में मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों के दौरान भारत में धीरे धीरे लोकतंत्र से लोगों की जानकारी होती चली गई। उन्होंने कानून बनाए जो उनके यहाँ लगे थे, कानून प्रचलित थे और यूरोप में सब जगह थे, वो कानून भारत में भी लागू किए और न्यायालय बनाए जो स्वतंत्र थे, जुडिशियरी स्वतंत्र थी। और जब पूरे देश में एक ही भाषा, एक ही शासन, एक और ट्रेन से, डाक तार से सारा देश जुड़ गया तो एक भावना पैदा हुई कि एक राष्ट्र, हम एक राष्ट्र हैं। हुआ क्या कि एक स्थिरता का और शांति का जब शासन आया, आधुनिक शिक्षा आई, आधुनिक शिक्षा से हमारे अंदर कुछ चेतना पैदा हुई, अन्यथा हमारे यहाँ कर्मकांड की ही शिक्षा थी कुल मिलाकर। तो उस शिक्षा से हमको इतिहास और भूगोल और ज्योग्राफी और साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी, पता नहीं कई विषयों का ज्ञान होने लगा। तो उससे हमारे अंदर चेतना आई और हमने उनसे स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की। ये इच्छा पहले तो बहुत प्रबल इच्छा नहीं थी, क्योंकि बहुत से हमारे जो मॉडरेट थे वो ये मानते थे कि भाई पहले समाज सुधार हो और वो सब बुराइयां हमारे समाज में से हटें जिनकी वजह से हम गुलाम होते हैं, उसके बाद अपने आप ही आजाद हो जाएंगे, आजादी तो उसकी चिंता मत करो।
और जो दूसरे जो एक्सट्रीमिस्ट थे कांग्रेस में, उनका ये था कि भाई पहले हमें आज़ादी चाहिए, उसके बाद सब कुछ हम कर लेंगे। ये दो तरह की अप्रोच कांग्रेस में रही। खैर, तो भारत में पूरा देश आंदोलन के समय भी एक हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब अंग्रेजी के माध्यम से मिलते भी थे, एक जगह बातचीत करते थे, सभा सम्मेलन होते थे, तो एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट आ गई। और वैसे चुनाव वगैरह तो हमारे 1920 से भी दूसरे तरह के चुनाव तो चलते थे। तो ये जो उपनिवेश काल है हमारा और जो स्वतंत्रता आंदोलन है, ये हमारे लोकतंत्र का गर्भ काल है। इसमें लोकतंत्र हमारे धीरे धीरे डेवलप हुआ और हमने ये देखा कि भाई विभिन्नताओं के होते हुए भी एक बड़ी, एक व्यापक एकता हमारे अंदर है। तो वो स्पिरिट आजादी के बाद भी 50 के दशक में और 60 के दशक तक बनी रही, क्योंकि तब तक हम देखते हैं कि हमारी पार्लियामेंट में भी अच्छे डिस्कशन होते थे, अच्छे वाद विवाद होते थे। ऐसे होते थे कि उनकी स्पीचेस को बच्चों की टेक्स्ट बुक्स में रखा जा सकता था, हल्ला गुल्ला नहीं होता था, है ना। अब तो ये हो गया कि साहब, कई बार अभिभावकों ने ये शिकायत की कि साहब ये जो है ना पार्लियामेंट का जो कार्रवाई है वो टीवी पे न दिखाई जाए, क्योंकि इससे हमारे बच्चे बिगड़ते हैं। ऐसी पार्लियामेंट तब नहीं थी 50 और 60 के दशक में। प्रचंड बहुमत होते हुए भी नेहरू जी के मंत्रिमंडल में 14 मंत्रियों में से 5 मंत्री विपक्ष में से उन्होंने लिए थे, ताकि एक सर्वसम्मति से काम हो। तो इस प्रकार से ये हमारा नेतृत्व चलता रहा और ये हमारे 50 और 60 का दशक जो हमारे लोकतंत्र का स्वर्ण युग था, भारतीय लोकतंत्र का स्वर्ण युग था। और इस 50 के दशक में तो समाज सुधार आंदोलन जो पहले चल रहे थे, धर्म सुधार, समाज सुधार, वो भी चलते रहे। जैसे हरिजनों का मंदिर प्रवेश है, भारत सेवक समाज है, भूदान आंदोलन है, वगैरह वगैरह। और उस समय की जो राजनीति थी वो सादगीपूर्ण थी। हम सबको याद है कि राजस्थान में तो बसों में विधायक सीट हुआ करती थी, आगे ही आगे लिखा रहता था विधायक सीट। तो विधायक लोग भी बेचारे बसों में यात्रा करते थे। आज आज तो वो कारों के काफिले में चलते हैं, वो बसों में चलते थे। और एमएलए हो, एमपी हो, आम आदमी की तरह रहते थे। और जो है ये देखिए, मैं तो देखा ही करता था कि एमएलए एमपी वगैरह बाजार में घूमते रहते थे, कोई ज्यादा उनके साथ भीड़ भी नहीं होती थी, है ना। टोंक में भी कई पुराने एमपी थे हमारे, हमारे घर आ जाया करते थे इस तरह से, तो मिलने के लिए। और बाजार में मिल जाते थे अपनी साइकिल पे बैठे हुए। तो ये हमारी उस समय की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का स्वरूप था। और हमारा समाज भी था कि भाई बाहरी जो है तामझाम, खान पान, कपड़े, रीति रिवाज, ये तो भारतीय थे हमारे, राधा कृष्णन भी साफा बांधते थे तो धोती पहनते थे, लेकिन विचारों से हमारे लोग उस समय नवीन आधुनिक युग के लोग थे, जिनमें सुधार का एक मादा था, सुधार चाहते थे। और वो समझते थे कि भारतीय समाज में बहुत बुराइयां हैं, उनको दूर करना चाहिए, वगैरह वगैरह, तर्कशीलता भी थी। तो ये हमारे यहाँ रहा है उस समय के लोकतंत्र में। तो थोड़ा सा इसलिए इतिहास बताना जरूरी था। और
लेकिन साथ साथ में और विकृतियां हमारे लोकतंत्र में थी जो अब ज्यादा बढ़ गई हैं, अब बहुत बढ़ गई हैं। जैसे हमारे लोकतंत्र एक तरह से राजतंत्र और लोकतंत्र का कॉम्बिनेशन था और अब भी है, अब तो ज्यादा हो गया। तो जैसा कि आपने, सक्सेना साहब ने स्वयं बताया कि भाई औपचारिक रूप से तो लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें विवेकशीलता नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो एक तो ये है कि हमारा समाज व्यक्ति पूजक तो प्रारंभ से ही रहा है, हमारा धर्म भी व्यक्ति पूजक ही है। जैसे किसी का इष्ट देव किसी गणेश जी हैं, किसी के हनुमान जी हैं, किसी के और कोई हैं, और वो समझते हैं कि इनको प्रसन्न रखने से, इनका नाम स्मरण करने से ये खुश होंगे और हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वो ये नहीं समझते कि हमारे नैतिक आचरण से ईश्वर खुश होता है। वो समझते थे कि हमारे भजन पूजन से खुश है ना, स्नान ध्यान वगैरह, वस्त्र दानम समर्पयामि नमः इत्यादि करने से ईश्वर खुश होगा। तो एक तो ये व्यक्ति पूजा हमारे यहाँ थी और वो धर्म में भी थी। वो गाना है ना, तू तू एक पैसा देगा वो 10 लाख देगा, क्या है पुराना गाना है एक। और उसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे हनुमान जी के मुंह में आपने पेड़ा रख दिया जा करके, और आप सोच रहे हैं कि अब जो है ना पास हो जाएंगे या कोई भी समस्या से मुक्ति पा जाएंगे। तो इस प्रकार की हमारे यहाँ धर्म में भी व्यक्ति पूजकता रही है, इतिहास में भी रही है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारा बहुत पूजनीय हो गया, तो उसका घोड़ा भी पूजनीय है, उसके घोड़े के भी मतलब स्मारक, और यह है कि उसके गीत बन रहे हैं, है ना। और ये माना जा रहा है कि वो तो शरीर भी उसका जिरह बख्तर भी इतने क्विंटल का था, और वो मतलब जो है फिर कविताएं बन जाती है, घास की रोटी वगैरह इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो ये इतिहास का जो हमारा जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान था उसमें भी हीरो वर्शिप थी। और अब जो है हम अब भी अपने नेताओं को स्टेज पे बुलाते हैं, मालाएं पहनाते हैं, अभिनंदन पत्र पढ़ते हैं, उनको नोटों से तोलते हैं, सिक्कों से तोलते हैं, और ऐसा लगता है कि ऐसा उनकी प्रशंसा की जाती है कि आप तो मतलब अवतार स्वरूप हैं और आप में दिव्य शक्तियां हैं वगैरह वगैरह। तो चुनाव तो होते हैं हमारे, लेकिन हम समझते हैं कि हम प्रतिनिधि नहीं चुनते, हम जो है शासक चुनते हैं, सम्राट चुनते हैं, राजा चुनते हैं, और ये मानते हैं कि भाई अब ये तो राजा हैं, मालिक हैं हमारे, प्रतिनिधि नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने प्रधान एमपी चुना, संसद सदस्य चुना, तो वो हमारा प्रतिनिधि है। अब बहुमत से वो मान लीजिए प्रधानमंत्री बन गया, तो वो एक संसद सदस्य ही है जिसको लोकसभा ने चुन लिया, इतनी सी बात है। लेकिन हम दूसरे ही दुनिया में उसको ले जाते हैं, अवतार की तरह उसको मानते हैं, और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारा कोई भी काम, चाहे FIR भी लिखानी है, यहाँ तक कि कोई मर्डर कर गया घर में, खून कर गया, तो भी FIR नहीं लिखेंगे। वो तब लिखेंगे जब कोई MLA या कोई बड़ा नेता फोन कर देगा कि भाई FIR लिखो इनकी, है ना। अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में बिस्तर भी आपको तब मिलेगा जब कोई नेता का फोन चला जाएगा, और दफ्तर में आपकी फाइल रुकी पड़ी है वो भी आगे तब बढ़ेगी जब ऊपर से कोई उनको दबाव आएगा। तो उसी तरह जैसे मान लीजिए स्थानांतरण है, ट्रांसफर कराना है, तो वो आजकल इस आधार पे नहीं होते कि भाई आपका कामकाज कैसा है, आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो ट्रांसफर नहीं करता, वो मंत्री करता है और वो कहीं भी कर देता है जैसे भी आप चाहो। तो इससे क्या है कि हमारे दफ्तरों का अनुशासन भी खत्म हो गया, क्योंकि जो छोटे से छोटा कर्मचारी है वो अगर मंत्री से जुड़ा हुआ है
तो अपने बॉस की परवाह नहीं करता। ये सारे हमको भोगने पड़ रहे हैं, तो इसलिए हमारे बुद्धिजीवियों में भी आप देखिए, मान लीजिए कालिदास जयंती मना रहे हैं, अब उसमें मुख्य अतिथि एमएलए को बुलाएंगे, या एमएलए नहीं मिला तो चाहे कोई पार्षद को ही पकड़ लाएंगे, लेकिन बगल में संस्कृत का प्रोफेसर भी विद्वान रिटायर्ड वो भी रहता है, लेकिन उसको नहीं बुलाएंगे। अब कालिदास पे वो पार्षद या वो जो चेयरमैन है वो क्या बोलेगा, लेकिन हम इसलिए वीआईपी को बुलाते हैं कि भाई जानकारी हो जाए, और जानकारी हो गई तो हमारे सारे काम निकल जाएंगे, कानून की परवाह नहीं। तो ये हमारे पूरे समाज में ये चीज छाई हुई है, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो उसी को बुलाया जाता है, और बाकी इसलिए इसलिए हर आदमी ये चाहता है कि हैसियत वाले से जानकारी हो, ताकि हमें सहायता कर दे काम मौके पर। तो इसलिए क्या है कि संक्षेप में बात यह है कि हम अभी भी लोकतंत्र के नागरिक नहीं बन पाए हैं, अभी भी हम प्रजा हैं, प्रजा रियाया हैं जो सम्राट की दया पे है। तो एक तो ये हमारे लोकतंत्र की स्थिति है, तो प्रजा का काम तो यही है कि स्तुतिगान करना, और स्तुतिगान करोगे तो अगला आदमी जो है वो आप पर ध्यान देगा, नहीं तो नहीं देगा। एक ये सबसे बड़ी वर्तमान भारतीय लोकतंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ी तो एक हमारी समस्या ये है कि हम व्यक्ति पूजक लोग हैं। अब आप देखिए यूनान में तो ऐसे व्यक्ति को राज्य से निकाल ही दिया जाता था जो सर्वगुण संपन्न और पूजनीय हो जाता था। और दूसरी बात यह कि अब हमारी जो राजनीति है वो आइडियोलॉजी पर नहीं है, विचारधारा पे आधारित नहीं है, ये आइडेंटिटी पर आधारित है। जैसे आइडेंटिटी चाहे जाति से संबंधित हो, वो मीना है, वो गुजर है, वो राजपूत है, या मतलब जो है क्षेत्रीयता से संबंधित हो, कि साहब वो तो मराठा है, या वो तमिल है, या तेलुगु है, या बंगाली है, या सिख है, पंजाबी है। तो ये इस तरह की चीजें हमारे यहाँ बहुत बढ़ गई हैं, जो हमारे लोकतंत्र के ऊपर एक तरह से उसकी मजाक उड़ाती है। और अब तो हमने अपनी अपनी जातियों के महानायक भी ढूंढ लिए हैं नए नए, यहाँ तक कि जैसे वाल्मीकि एक विशेष जाति को जोड़ दिया, उसी प्रकार से अग्रसेन, अब अग्रवाल लोग उसी के वो सोचते हैं कि इसी ने जाति चलाई। अब उनसे पूछो कि जाति कोई व्यक्ति चला सकता है क्या? अगर अग्रसेन जी ने जाति चलाई तो अग्रसेन जी के पिताजी कौन थे, उनके सगे भाई कौन थे, क्या वो अग्रवाल नहीं थे? लेकिन कुछ नहीं, उन्होंने तो ढूंढ लिया, मूर्ति बना ली और अब उसकी पूजा चलती है। इस तरह से हमारा समाज जो है, हमारी राजनीति आइडेंटिटी पर आधारित हो गई। तो और उस जमाने में 50 के दशक में ऐसा नहीं था, जैसे कांग्रेस, अब नई पार्टी बनी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट खास थे, फिर राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाई। स्वतंत्र पार्टी केवल इसलिए कि वो पूंजीवादी स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्र लेजिस्फेयर उसके संरक्षक थी, उसका सपोर्ट करती थी। कम्युनिस्ट और कांग्रेस तो समाजवादी थे, तो उन्होंने उस आधार पे स्वतंत्र पार्टी बनाई, तो वो आइडियोलॉजी से आधारित पार्टियां बनती थी। आजकल आइडियोलॉजी से आधारित नहीं है, बताइए टीएमसी और कांग्रेस में क्या फर्क, नीतियों में कोई फर्क नहीं, लेकिन वो बंगला उपराष्ट्रीयता के आधार पर वो टीएमसी हो गई, उसी तरह एनसीपी, उसी तरह ये शिवसेना, उसी तरह तमिलनाडु में पार्टियां बनी, डीएमके, एडीएमके, ये सब पार्टियां
विचारधारा पे बिल्कुल आधारित नहीं है, ये क्षेत्रीयताओं पर आधारित हैं, कोई जातियों पे आधारित हैं, जैसे अकाली दल बन गया। तो इस तरह से ये तो ये पहले ये नहीं थी, लेकिन हमारे परंपरा तो ये रही है कि बड़ा साम्राज्य सम्राट भी थे लेकिन क्षत्रप भी थे, तो वो क्षत्रप अब भी हैं। तो ये दूसरी समस्या है। तीसरी हमारे सामने समस्या ये है कि हमारे अंदर सिविक सेंस नहीं है, सिविक सेंस नागरिकता बोध नहीं है। हमारी सफाई भी करते हैं तो घर में बहुत अच्छी सफाई है, सड़क पे कचरा फेंक देते हैं, नालियों को कचरे से पाट देते हैं, पानी बहता नहीं है, प्लास्टिक की थैलियां से पट जाती है। अच्छे से अच्छा नगर बसाओ आप, लेकिन वो हम युद्ध स्तर पे उसको बिगाड़ देते हैं बहुत तेजी से। और कानून हमारे लिए, नियम कायदे हमारे लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। हैसियत वाले के लिए कोई कानून नहीं है, कमजोर और असहाय आदमी के लिए कानून है। जैसे हरी बत्ती लाल बत्ती ट्रैफिक पर है, लेकिन वो तभी तक है जब डंडाधारी पुलिस वाला वहां खड़ा है। अगर वो नहीं है तो फिर हरा और लाल होता ही रहे, ट्रैफिक पे असर नहीं पड़ेगा। और कई बार अगर पुलिस वाला बेचारा किसी को पकड़ भी लेता है, लाल बत्ती में निकल पड़ा और उसको पकड़ लिया, तो खट से वो फोन निकालता है जेब से और किसी वीआईपी को फोन करता है, और वो वीआईपी फिर उस सिपाही को कह देता है, अरे भाई जाने दो जाने दो। तो उसी तरह से ये देखिए आप कि कचरा पात्र तो नगर पालिका ने डाल रख दिए जगह जगह, लेकिन कचरा पात्र रखे आज और 4 दिन बाद देखो तो बहुत से तो टूटे मिलेंगे और बहुत से गायब मिलेंगे। सार्वजनिक नल हैं तो टोंटी गायब है, पानी बह रहा है और किसी को परवाही नहीं कि पानी बह रहा है। ये हमारी लापरवाही और सिविक सेंस न होना ये दिखाता है। और साल भर पटाखे चलते हैं, आजकल पहले दिवाली पे चलते थे, अब क्या है कि किसी का जन्मदिन हो, कोई इंडिया मैच में जीत गया हो या कुछ भी अच्छा अवसर, किसी की शादी की वर्षगांठ हो, तो पूरे मोहल्ले को धड़धड़ा देते हैं वो पटाखे चला के। तो आपने किसी भी हैसियत वाले को क्यू में खड़ा नहीं देखा होगा कि भाई कोई एमएलए या कलेक्टर या एसडीएम साहब क्यों में खड़ा होके टिकट ले रहा है। ये इसको बड़ा अपमान समझा जाता है। पश्चिमी देशों में सब काम क्यों से होता है, कोई चाहे प्रेसिडेंट हो एमपी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ तो क्यों में अगर कोई वीआईपी मजबूरन खड़ा हो भी गया तो वो देखता है कि भाई कोई जानकार ना आ जाए, नहीं तो मुंह दिखाने के नहीं रहेंगे, है ना, अपना प्रभाव खत्म हो जाएगा। ये इस तरह की जो बातें हैं, सार्वजनिक जो शौचालय हैं उनके अंदर आप घुस नहीं सकते, इतने गंदे मूत्रालय जो है वो शौचालय बन गए हैं। ये सिविक सेंस न होना। अब जैसे पानी भूगर्भ का जल है, बहुत गहरा चला गया, कुओं में पानी सूख गया, कैसे? वर्षा तो हुई है, लेकिन अब हमारा जो जीवन है, सीमेंट के मकान बन रहे हैं तो तराई चाहिए, और हमारे शौचालय इस तरह के बन गए हैं, पहले तो जंगल में जाते थे, पहले तालाब में नहाते थे तो पानी खर्च होता नहीं था, तो वो, लेकिन अब जीवन बदल गया है। और अब आप देखेंगे विवाह स्थल, मैं जिधर घूमने जाता हूँ उस सड़क पे 4-5 विवाह स्थल है, बड़े लंबे चौड़े, उनके मैदानों को हरा रखने के लिए साल भर बड़े बड़े नल चलते रहते हैं, पाइप दिन भर चलते हैं, रात को पानी सूखा दूसरे दिन फिर चल जाए, ये किस लिए? और 365 दिन चलते हैं, जबकि शादियों का सीजन तो 4-5 महीने का आता है, लेकिन उसको हरा तो रखना है। अब ये इससे क्या हो गया कि परवाह ही नहीं लोगों को, लोग नल से ही अपने मकान को धो रहे हैं,
झाड़ू के बजाय कारों को धो रहे हैं, अपने घर के चारों तरफ भी ठंडक बनाने के लिए नल चला रखा है और पाइप से खोल रखा है। ये सब इस बात का सूचक है कि हम केवल आत्म केंद्रित हैं, अपने तक सीमित हैं और समाज का के बारे में हमारे कोई वो नहीं। एक और समस्या हमारे यहाँ है, सिविक सेंस यूँ भी डेवलप नहीं होता कि हम ये मानते हैं कि भाई जब कभी पापों का घड़ा भर जाएगा तो कोई दिव्य शक्ति अवतार लेगी और वो सब ठीक कर देगी। तो हम दिव्य शक्ति का इंतजार करते रहते हैं, बार बार ये लोग कहते ही रहते हैं जी पापों का घड़ा भरने दो, कोई ना कोई आएगा। तो फिर कोई ना कोई आएगा तो हम तो गैर जिम्मेदार हो गए ना, हम तो केवल दर्शक हो गए। एक ये भी हमारे समस्या है। और हमारे यहाँ एक हायरार्की बनी हुई है, ऊपर से नीचे तक, ये ऊंचा ये नीचा काम। जैसे मान लो कोई रिसीट क्लर्क है, कोई डिस्पैच क्लर्क है, कोई अकाउंटेंट है। अब मान लीजिए रिसीट क्लर्क नहीं आया तो सारे दफ्तर का काम बंद। ये नहीं कि अकाउंटेंट उस काम को, भाई चिट्ठियां ही तो रिसीव करनी है, नहीं करेगा, ये मेरा काम नहीं है। इस प्रकार से वो जाति प्रथा जो है दफ्तरों में भी चलती है और हम लोग एक तरह से विडंबनाओं में रहते हैं। बात तो हम करेंगे साहब वसुधैव कुटुंबकम, हमने दिया तो तुमने क्या दिया, तुम्हारे तो गांव की आधी आबादी तो अछूत है और बस्ती से बाहर रहती है, उनको तो बस्ती में रहने ही नहीं देते तुम। और बात करेंगे कि हमारे तो हम तो हमारी तो हम समृद्ध देशों में आ गए हैं, नंबर ये नंबर 3 नंबर 4 की अर्थव्यवस्था हो गई है, लेकिन वो प्रति व्यक्ति तो नहीं है ना, इतना बड़ा देश है तो। लेकिन हमारे यहाँ भूख है, दरिद्रता है, कुपोषण है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये सब स्थितियां हैं। और फिर सांप्रदायिकता है जो बहुत बड़ी शत्रु है लोकतंत्र की। विज्ञान और तकनीक, अब इसमें क्या है कि हम तकनीक का इस्तेमाल तो करते हैं, हर एक घर में आपको मोबाइल और कार वगैरह टीवी वगैरह सब मिलेगा, लेकिन वैज्ञानिक मानसिकता, वैज्ञानिक चिंतन वो हमारे यहाँ नहीं है। हम चीज खरीद लाए मोबाइल और चलो काम में इस्तेमाल ले रहे हैं तो, लेकिन जो वैज्ञानिकता की बात करते हैं, जैसे दाभोलकर साहब अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, पंसारे साहब हैं, कुलबर्गी हैं, गौरी लंकेश है, ये इन्होंने समाज सुधार की बात की तो इनके घर जाके इनको गोली मार दी गई, जिससे कि सब जगह ये संदेश चला जाए कि भाई समाज के खिलाफ बातचीत मत करो। तो ये इस तरह से न्याय की हम बात करते हैं, लेकिन न्याय क्या है, माइट इज राइट है हमारे यहाँ देखा जाए तो, न्याय नहीं है। और बातें करेंगे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, एक श्लोक पता नहीं कहाँ से उठा लाए, जबकि हजारों श्लोक दूसरे भी हैं, इसके विपरीत भी हैं। तो हम तो साहब इसी को लोग याद रखते हैं, लेकिन ये कई लोग ये भी कहते हैं कि भारत जो है बलात्कारों की राजधानी है विश्व में। तो उसी तरह से बात करते हैं स्वतंत्रता की, लेकिन यहाँ क्या है कि सब आहत होने को तैयार बैठे हैं। किसी ने कोई किताब लिखी, कविता लिखी या चित्र बनाए, किसी ने कोई फिल्म बनाई, उपन्यास लिखा, कहानी लिखी, तो कोई न कोई भड़क जाएगा कि साहब इससे हम आहत हो गए, और वो भीड़ जाकर के उसके घर पहुंच जाएगी, तोड़फोड़ करेगी और उसको उसकी किताबें जला देगी। तो ये एक नई चीज हमारे यहाँ विकसित हुई है इस देश में, जहाँ वैचारिक स्वतंत्रता बहुत जबरदस्त हजार साल से रही है, वहाँ ये चीज अब नई नई डेवलप हो गई। आप देखिए पुराने जो भास का एक नाटक है उरुभंगम, जिसमें दुर्योधन की जंघा भीम ने तोड़ दी,
अधर्म युद्ध करके, और वो कृष्ण के कहने से। उस नाटक में जो करीब 1500 साल पहले का लिखा हुआ है, उस नाटक में घायल जो दुर्योधन है वो कृष्ण को कितना भला बुरा सुनाता है वो पढ़ने पर ही आपको पता चलेगा। उसने कहा कि तुमने भीष्म को भी ऐसे ही मरवाया, तुमने द्रोण को भी झूठ बोल के मरवाया, ऐसे ही कर्ण को मरवाया अधर्म युद्ध से, और मुझे भी अब तुमने मरवा दिया है। तो और कृष्ण के पास कोई जवाब नहीं, और वो नाटक पूरे भारत में खेला जाता है, और कोई ये नहीं कहता कि हमारे भगवान का अपमान कर दिया। क्या आज वो नाटक भारत में खेला जा सकता है? ये समझने की बात है। तो उसी तरह वाल्मीकि रामायण में भी आप देखिए कि बाली ने इतनी बुरा भला कहा है राम को मरते समय, धोखेबाज है, इस कायर दब्बू, हिम्मत होती तो सामने आता, वगैरह वगैरह। लेकिन वो चीज अब संभव नहीं है। अब आप कोई लिखो ना तो इस तरह की बातें नहीं लिख सकते राम के खिलाफ। तो इस तरह से हमारी स्वतंत्रता भी हमारी कबीलाई मानसिकता के कारण खत्म हो गई। अब हम डिस्कशन नहीं करते हैं, हमारा लोकतंत्र बिना डिस्कशन के चल रहा है। तो ये एक, फिर एक और हमारे लोकतंत्र की जो हमें चिंतन करना चाहिए कि हमारे दो दो भारत हो गए, एक तो शाइनिंग इंडिया हो गया और एक जो असली भारत हो गया। शाइनिंग इंडिया में रिसोर्ट हैं, 5-star 7-star होटल्स हैं, नई पार्लियामेंट का भवन है। शाइनिंग इंडिया में जो है पार्टियां हो रही है, ग्लैमर है। और दूसरा इंडिया वो है दीनहीन, आधा भूखा, जिसकी सूखी हड्डियों में से शाइनिंग इंडिया रस खींच रहा है, उसमें से भी खींच रहा है, सूखी हड्डियों में से भी। तो ये हो गया और किसी का इस पे कोई परवाह नहीं है। ये असमानता बढ़ती जाती है, ये सब चीजें हमारे देखने की बात है। तो अब आप देखिए आजकल वीआईपी कौन बन गए हैं, वास्तु वाले, ज्योतिष वाले, कर्मकांड करने वाले, वो वीआईपी बन गए हैं। उनके यहाँ लाइन लगी रहती है, न्यायाधीशों की भी, एमएलए एमपी की भी, पूंजीपतियों की भी। अंगूठी 10-10 उंगलियों में अंगूठी पहन रहे हैं लोग, भाई ये शनि का है, ये मंगल का है, ये शुक्र का है, कोई तो बचाएगा। और इस तरह से वास्तु वाले मकानों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं लोग, नए ढंग से किचन इधर और वो टॉयलेट उधर कर रहे हैं। तो क्योंकि वो समझते हैं कि, तो अब जो धर्म का स्वरूप है वो वैसा नहीं है जैसा विवेकानंद और दयानंद और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज उस जमाने में जो हुए थे, रामकृष्ण मिशन ऐसे आंदोलन धर्म सुधार के हुए थे। आज तो सत्यार्थ प्रकाश को कोई पढ़े तो आज सत्यार्थ प्रकाश अगर दयानंद सरस्वती होते तो वो जेल से बाहर नहीं होते। तो ये सारी जो बात है तो वो क्या है कि वो सत्ता ने तो इतना नहीं किया जितना हमने स्वयं ने कर लिया। हमारी स्वतंत्रता को खत्म किया है तो हमने स्वयं ने किया है। अब आप देखिए फिल्में जो पहले थी और आज की फिल्में देखिए, उनकी तुलना कीजिए, ये सब होता जा रहा है। तो अब ये प्रश्न ये है कि इस सब का उपाय क्या है? हमारा लोकतंत्र तो ये समझिए कि सांसें ले रहा है, आखिरी इसका उपाय क्या है? क्योंकि ये हमने ही किया है, ये सत्ता ने तो थोड़ा बहुत उकसाया है लेकिन किया हमने। हमारे सब स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा सबको जो खत्म किया है, आत्मालोचन, स्वयं की आलोचना वगैरह, ये जो सुधार की बात, ये हमने खत्म करी है।
अब आप सुधार की बात करेंगे तो ऐसे खड़े हो जाएंगे 50 लोग जो कहेंगे अरे हमारे धर्म में खराबी बताते हो, सुधार की बात करते हो। अब ये वो लोग हैं जिनको जिन्होंने नया नया हनुमान चालीसा अभी अभी सीखा है या दो चार लाइनें सीखी है और अब लठ लेके निकल पड़े। तो खैर ये चल रहा है, अब इससे कैसे निकला जाए ये एक अगला सवाल है। तो अब इससे बात यह है कि जब तक किसी देश में ज्ञान विज्ञान नहीं फैलेगा तब तक हम जागरूक नहीं हो सकते। जन चेतना के बिना लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती, और जन चेतना कैसे आएगी? थोड़ा बहुत ज्ञान हो अध्ययन हो तो वो तो उल्टा खत्म हो गया। पिछले 25 सालों से भारत के कॉलेजेस में कोई छात्र कक्षाओं में नहीं आ रहा और फिर भी 95% मार्क्स से पास हो रहे हैं। तो पुस्तकालय आप देखिए, स्कूल कॉलेजों में किताबों के कब्रिस्तान हैं। वो किताबें पुस्तकालयों में आ गई तो अब वो उस कब्र से बाहर निकलेगी ही नहीं, कोई नहीं पढ़ेगा। हमारे प्रोफेसर भी शेयर मार्केट की ही बातें करते हैं, स्टाफ रूम में ज्ञान विज्ञान का डिस्कशन कभी नहीं करते। तो अब ये हालत जो हो गई है इसके क्या कारण है? ये तो मैं कुछ कारण मैंने सोचे हैं। एक तो ये है कि हमारे यहाँ पता नहीं कब से आत्महीनता के कारण समझिए कि ये एक जबरदस्त बच्चे को गुट्टी में ही पिला दिया जाता है कि सारी खोजें सारे आविष्कार सारा ज्ञान विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को तो पहले से ही मालूम था और हमारे वेदों में है उपनिषदों में है ये सब कुछ। तो हम पूछते हैं भाई वेदों में तो हमने तो वेद पढ़े हैं उपनिषद भी पढ़े हैं, हमें तो कहीं नहीं मिला। तो वो कहते हैं जी असली वेद तो चुरा ले गए जर्मन लोग। तो हम कहते हैं कि भाई वेद कभी किताब के रूप में छपे हुए थे ही नहीं, वो तो श्रुति परंपरा से चले आ रहे हैं, हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को याद करा देती है, तो वो कैसे चोरे जा सकते हैं? तो उनको ये बात भी पता नहीं। वो कहते हैं नहीं नहीं वो भूल गए लोग। अब वो यही कहते हैं हवाई जहाज भी थे हमारे, रॉकेट भी थे हमारे, प्लास्टिक सर्जरी भी होती थी, किसी के धड़ के ऊपर किसी का सिर लगाया जा सकता था, कंप्यूटर भी हमारे थे, और आगे भी जो आविष्कार होंगे भविष्य में वो हमारे पहले से ही हैं। लेकिन वो जब वो आविष्कार हो जाएंगे तब ये लोग कहेंगे कि ये तो पहले से ही था। तो इस प्रकार की जो बात है, तो अगर ऐसा है तो भाई तुम्हारे पास इतिहास भी नहीं है, भूगोल भी तुम्हारा ऐसा है कि पृथ्वी के चारों तरफ क्षीर सागर है, फिर उसके चारों तरफ मधु सागर है शहद का सागर, फिर चारों तरफ दधि सागर है दही का सागर, फिर चारों तरफ इक्षुरस सागर है भाई गन्ने के रस का समुद्र है। तो ऐसी तो तुम्हारा भूगोल है। तो वो कहते हैं कि इनके कोई प्रतीकात्मक अर्थ हैं जो आप नहीं समझते क्योंकि आप मैकाले के गुलाम हो। तो अब उनसे बहस आप कर नहीं सकते। तो ये अनपढ़ लोग हैं और अब इनको और ज्यादा प्रश्रय मिल गया है, अब ये जुलूस बना बना करके लाठियां लेके घूमते हैं। तो इस तरह से समुद्र यात्रा हमारे यहाँ पाप रही तो अब सारे संसार से संपर्क में नहीं रहे, दुनिया में नए नए आविष्कार होते रहे, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। चीन तक ने जो है 800 साल पहले जो है कागज और प्रिंटिंग प्रेस और बारूद और कंपास कुतुबनुमा वगैरह खोज लिए थे, तो हमने तो कोई चम्मच भी नहीं बनाई खाने के लिए। तो ये सब चीजें अब चिंतन करो आप इनके बारे में, अब तो कह भी नहीं सकते सार्वजनिक रूप से क्योंकि आपकी जान को खतरा हो जाएगा। ये सारे जो हैं एक कारण तो ये है। तो और दूसरा ये एक कारण ये भी है कि ज्ञान अचानक प्राप्त होता है हमारे यहाँ। गौतम बुद्ध को वृक्ष के नीचे बैठे बैठे, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे बैठे अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया।
और अमुक ऋषि को भी अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया, सारे तीर्थंकरों को, जैनियों को, सब तीर्थंकरों को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ये समझते नहीं है कि ज्ञान का अपना तरीका है, ज्ञान का अध्ययन है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, ये तरीके ज्ञान के हैं, ये तो और कोई तरीका, अपने आप तो कुछ होता नहीं। लेकिन ये कहते हैं कि भाई रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी अचानक, तो अब ज्ञान कैसे आए? अब रीडिंग हैबिट भी नहीं है हमारे यहाँ। देखिए, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, नौकरी मिलने के बाद उसकी घर में पहली चीज तो किताबें तो उसने रद्दी में बेच दी, या अगर कोई दो चार पढ़ी भी है तो वो धूल जम गई उनके ऊपर, कभी नहीं पढ़ता। वो नौकरी मिल गई, नौकरी के लिए पढ़ रहा था, ज्ञान के लिए थोड़े पढ़ रहा था। तो इसीलिए ये है कि भाई इंजीनियर है हमारे यहाँ, अच्छे अच्छे बड़े भवन और पुल बनाएंगे, लेकिन काला मटका भी रख देंगे बनने के बाद ताकि नजर नहीं लगे, टायर लटका देंगे। और डॉक्टर हैं, अपनी क्लिनिक के बाहर नींबू मिर्ची लटका देंगे ताकि ज्यादा मरीज आए। तो इस तरह से ये जो है, किसी के घर में कोई पुस्तक नहीं मिलती। एक के मैं चला गया था मित्र के, तो पूरे घर में कुछ भी नहीं था पुस्तक के नाम पर, तो टेबल पे हनुमान चालीसा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा भाई ये तो कम से कम एक पुस्तक तो आपके है। तो बोले जी हम TA की बैठक में गए थे, वहाँ उन्होंने सबको बांटा था तो हम भी ले आए। तो ये पुस्तकों की ये हालत है हमारे यहाँ। तो इसीलिए फिर ये है कि भाई जो अंधविश्वास है वो चलते जाते हैं कि भाई इलायची में, केले में इलायची डाल दो तो पानी हो जाएगा, मोर और मोरनी इस तरह से गर्भाधान होता है, गौमूत्र में गोल्ड है, सोना है, और गोबर से जो है परमाणु युद्ध में रक्षा हो जाएगी। हाँ, और हमारे तो सागर के 60,000 पुत्र हैं, और लोगों के तो दो दो चार चार होते हैं, तो हमारे सागर में कितनी शक्ति थी, और लाखों वर्षों का जीवन होता है। अब भी हिमालय पे आपको 700-800 साल के योगी मिल जाएंगे, जबकि उनको कभी नहीं मिले। और तो इस प्रकार से इतिहास की बात करो तो वो मतलब रणथंभौर पे जाओ तो हमीर ही और हमीर की बात करेंगे, जबकि रणथंभौर 1,000 साल पुराना किला है, और किसी भी किले में किसी भी ताकत का 5-10 साल से ज्यादा अधिकार नहीं रहता। वो दुश्मन का हो, फिर उसके दुश्मन, फिर उसके दुश्मन छीन लेते हैं। लेकिन वो आज तक अगर कहीं खड्डा भी है तो हमीर के घोड़े का खुर लग गया, उसका खड्डा है ये, चट्टान पर भी, पहाड़ के शिखर पर खड्डा है तो हमीर के घोड़े का वो खतरा। हर नदी के चारों तरफ बाण गंगाएं, और यहां से अर्जुन ने तीर मार के और भीष्म को पानी पिलाया था। हाँ, ये इस तरह की जो बातें हैं, और हमारे अगस्त्य ऋषि तो समुद्र को ही पी गए थे, और हमारे देवता तो सूरज को ही निगल जाते थे, पृथ्वी क्या चीज है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो इसलिए है कि हम लोग पढ़ते नहीं है। और ये जो है अभी भी गांधी हो या अंबेडकर हो, इनकी मूर्तियां तो बना लेते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन इनकी पुस्तकें नहीं पढ़ते, अच्छे अच्छे प्रोफेसर नहीं पढ़ते। तो ये सारे जो हैं, और सबसे बड़ा खतरा तो आहत होने का है कि भाई हर आदमी आहत होने के लिए, एक मिनट में आहत होने को तैयार है वो, कि हमारी धार्मिक भावनाओं में इस कविता से आहत हो गई। तो है, अब ये ऐसा हो गया है जो पहले नहीं था। ये सारे कारण हैं जो हमारे लोकतंत्र को दूषित करते हैं। इन सब का निवारण हो तब हम कोई सुधार की बात सोची जा सकती है, ये मैं कहना चाहता था। बस मेरे मन में तो केवल एक सवाल पैदा हो रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जी हाँ, प्रौद्योगिकी, तकनीक को लेकर, विज्ञान और तकनीक को लेकर। तो मैं तो केवल ये जानना चाहता था कि जो विज्ञान है वो तकनीक के माध्यम से ही मानव समाज के निर्माण में उपयोगी होता है। अगर मान लीजिए
विज्ञान को हम केवल जो है वो एक विचार के रूप में या एक सिद्धांत के रूप में समझने की कोशिश करें तो आम आदमी उसको समझ नहीं पाता है। आम आदमी के लिए तो जो है वो केवल केवल एक जो है वो कह लीजिए कि अबूझ मार होकर के रह जाता है। विज्ञान विज्ञान तकनीक के अंदर ढल करके जब जीवन के लिए उपयोगी होता है तो उसी से जो है वो उसको समझता है और अपने जीवन को एक नया रूप देने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या सोचते हैं कि क्या विज्ञान और तकनीक को अलग करके देखा जा सकता है और क्या केवल विज्ञान के माध्यम से ही जो है वो लोगों को जो है वो चेतना संपन्न किया जा सकता है? क्योंकि फिर वही बात आएगी कि वो जो विज्ञान है वो तो केवल उसके लिए एक सिद्धांत या एक विचार मात्र है, वो उस तक कैसे पहुंचे? और आदमी जो है जब प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसके पास में आता है तो वो उसका उपयोग करते हुए किस तरह से अपने जीवन के अंदर जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करे, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाता हूँ और आपकी बात का पूरा समर्थन करते हुए, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो सैद्धांतिक विज्ञान है वो तकनीक की छाया है। पहले तकनीक आती है फिर विज्ञान आता है। जैसे प्रारंभ में मनुष्य का ये अंगूठा जब वो चिंपांजी के स्तर पे था तो अंगूठा फ्री नहीं था, चारों उंगलियों के साथ वो भी हिलता था। फिर अंगूठा अलग होने लगा हमारा जो चारों उंगलियों से के सामने आता है। इससे क्या हुआ कि बहुत काम हो गए, पत्थर नुकीले किए आदमी ने और वो हथियार के काम आ गए पत्थर घिस करके। और उसी प्रकार से जैसे नदी पार करनी है, उसने देखा कि लकड़ियां तैरती हैं डूबती नहीं है, तो लकड़ियों से पुल बनाने का काम। उसी प्रकार से जंगल में आग लगी और उस फिर धीरे धीरे उसने देखा कि पत्थरों को घिसने से चिंगारी निकलती है, तो आग बनाना शुरू किया। तो ये जो है बात ये है कि तकनीक को बाद में एक्सप्लेन करता है विज्ञान। तो तकनीक स्वतः ही जीवन के रक्षण के हेतु तकनीक डेवलप हो जाती है और विज्ञान बाद में उसकी व्याख्या करता है। जैसे अब ये पहले जैसे चेचक का टीका था तो ये देखा गया यूरोप में, डॉक्टर जेनर ने देखा कि जो लोग गाय पालन करते थे उनके चेचक नहीं होती थी, बाकी लोगों की खूब होती थी। तो वो अब ये उसने और लोग क्या करते थे कि भाई कई लोग तो गायें रखने लग गए कि यार चेचक से बचेंगे। ये तो तकनीक थी, गाय रखना चेचक से बचना। अब इसका जो कारण वगैरह डॉक्टर जेनर ने देखा कि गाय के जो चेचक होती है और उससे संपर्क में आते हैं और उसका दूध पीते रहते हैं तो हमारे अंदर शरीर में चेचक प्रतिरोधी शक्ति हो जाती पैदा। उसी से फिर ये टीके का आविष्कार हुआ कि जो मृत मरे हुए बैक्टीरिया हैं किसी बीमारी के, वो अगर शरीर में डाले जाएं तो हमारी प्रतिरोधक शक्ति जागृत हो जाती है उनसे लड़ने के लिए। और फिर कभी भविष्य में जीवित बैक्टीरिया भी घुसेगा तो प्रतिरोधक शक्ति उसको रोक लेगी। अभी भी जैसे टीका जो जैसे अभी इसका कोरोना का भी है तो वो क्या है, उस वायरस को डेड कर दिया जाता है, मृत वायरस को डाल दिया जाता है बॉडी की डिफेंस। तो कहने का मतलब ये है कि तकनीक
ही पहले आती है, विज्ञान उसको एक्सप्लेन करता है, है ना। तो इसलिए तकनीक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और विज्ञान होता ही नहीं अगर आदमी नई नई तकनीक आत्मरक्षा के लिए नहीं खोजता, तो विज्ञान होता ही नहीं। बड़ा महत्व है तकनीक का जी, कि जो तकनीक है उसे विज्ञान सार्वभौमिक बनाता है, क्या ऐसा है? तकनीक से तकनीक को विज्ञान सार्वभौमिक बनाता है क्या? जी हाँ जी हाँ, वो तो तकनीक को एक्सप्लेन, तकनीक तो, हाँ तकनीक तो क्या है, लोकल होती है एक तरह से, स्थानीय हाँ, उसका रूप होता है जी, और विज्ञान हाँ, का जो स्वरूप है वो सार्वभौमिक होता है, तो क्या क्या विज्ञान उसका सार्वभौमिकरण करता है? हाँ तो बिल्कुल सार्वभौमिकरण, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तकनीक तो लोकल है, लेकिन जब उसके सिद्धांतों की व्याख्या की जाएगी, और विज्ञान का एक तरीका ये भी है कि वो विज्ञान ये कहता है कि भाई सब लोगों को कहता है कि प्रयोग करके देखो, और हर जगह पे हर देश में प्रयोग करके देखो, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, और सर्दी गर्मी बरसात सब जगह करके देखो, पहाड़ पे खाई में सब जगह, क्या सब जगह एक ही नतीजा आता है? और जब सब जगह एक ही नतीजा आता है तो फिर वो विज्ञान का सिद्धांत बन जाता है कि भाई ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है, और वो हम पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब जैसे दूध गर्म किया ढक कर के किसी पतीली में, और वो ढक्कन गिर पड़ा जब दूध का उबाल वो भाप बन के, तो वो सोचने लगा कि ये तो भाप में तो आगे पुश करने की ताकत है। तो उसने फिर बाद में रेलवे इंजन भी उसी उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए बनता गया। तो सच है कि तकनीक को सिद्धांत रूप में व्याख्या करने के कारण वो सार्वभौमिक हो जाती है, वो सारी मानव जाति की संपत्ति हो जाती है। वो जो रूसी विज्ञान, अमेरिकी विज्ञान, चीनी विज्ञान नहीं रहता कभी भी। धर्म जरूर रहता है कि चीन की संस्कृति, भारत की संस्कृति, और सब अरब संस्कृति वगैरह वगैरह, लेकिन संस्कृति या धर्म की तरह विज्ञान तो ऐसा नहीं बांटा जाता है कि साहब ये तो विज्ञान डेनमार्क का है और ये फ्रेंच विज्ञान है, तो मानव जाति का हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, विचार है, और विचार जो है ना वो कोई स्थानीय रूप तो रहता नहीं है उसका। हाँ बिल्कुल सही है, स्थानीय रूप नहीं रहता। नमस्कार। नमस्कार सर जी। डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत अच्छा और बहुत सुलझा हुआ, सब लोगों ने सुना, और वो तो आपकी सदाशयता, नहीं ऐसा कुछ आपकी नहीं है। मैंने खूबसूरती तो इस बात की है कि लोग इसलिए कहते हैं गर्ग साहब से बात करो, कि गर्ग साहब जिस तरह बताते हैं वो तो एक ऐसा सुलभ प्रवाह है जो सीधे सीधे समझ में भी आ जाता है, उसमें जटिलताएं नहीं होती समझने के लिए, तो लोगों की डिमांड भी आती है कि गर्ग साहब से बात करो। जी जल्दी ही आपसे भेंट करेंगे जी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। नमस्कार। नमस्कार सर, सभी को।